स्टूडेंट, मेरा नाम रिजवान रहमान है और मैं गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज में लेक्चर इन फिजिक्स हूँ। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। टॉपिक रिलेटेड हैं चैप्टर नंबर 11 हीट से और आज के टॉपिक का नाम है कार्नोट जंक्शन। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि व्हाट इज कार्नोट इंजन या कार्नोट इंजन क्या होता है। तो बेसिकली कार्नोट इंजन एक आइडियोलॉजी है, एक ऐसे परफेक्ट इंजन की जो लॉसलेस है और हर किस्म की फ्रिक्शन से पाक है। फिर फर्दर मोर हम ये देखते हैं कि किस तरह हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, एफिशिएंसी मालूम कर सकते हैं कार्नोट इंजन से रिलेटेड। तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी के लिए कुछ कंसिडरेशन हमें करनी पड़ेंगी। पहली कंसिडरेशन ये है कि कार्नोट इंजन ऑपरेट कर रहा है हॉट और कोल्ड रिजर्वॉयर के दरमियान। टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वॉयर हम कंसिडर करेंगे T1 और टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वॉयर कंसिडर करेंगे T2। इनपुट हीट जो हॉट रिजर्वॉयर से है वो Q1 होगी। हीट लॉस्ट वाया कोल्ड रिजर्वायर Q2 है, जबकि आउटपुट वर्क जो है डेल्टा W, ये डिफरेंस है Q1 और Q2 का। इसका मतलब ये कि जो हीट हम इनपुट करते हैं Q1, उसमें से कुछ अमाउंट Q2 लॉस हो जाता है। एफिशिएंसी निकालने के लिए एक जनरल फॉर्मूला हम यूज करते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, ताकि हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाए। एफिशिएंसी हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आउटपुट जो है वो डेल्टा W है और इनपुट Q1 है, तो हमने आउटपुट और इनपुट की जगह उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज प्लेस कर दी। फर्दर ये कि डेल्टा W बराबर है Q2 और Q1 और Q2 के डिफरेंस के बराबर। तो जहां डेल्टा W है वहां हमने Q1 माइनस Q2 प्लेस कर दिया। देन हमने एलसीएम ब्रेक किया और Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास Q1 और Q1 यहां कैंसिल हो जाएगा। Now we have efficiency equals to 1 minus Q2 upon Q1 into 100. यहाँ ratios Q2 upon Q1 और T2 upon T1 equal हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि Q1 और T1 बराबर हैं या Q2 और T2 बराबर हैं। Actually इसका मतलब ये है कि क्योंकि Q1 और T1 कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, हीट और टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, इसलिए जिस हिसाब से हीट का रेशो चेंज होगा उसी हिसाब से टेम्परेचर का रेशो भी चेंज होगा। तो हम ये रेशोज रिप्लेस कर देते हैं, Q2 अपॉन Q1 की जगह हम इंट्रोड्यूस करेंगे T2 अपॉन T1। तो इस तरह हमारे फाइनल जो फॉर्मूला यहाँ हासिल होता है वो एफिशिएंसी परसेंटेज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 इनटू 100। यहाँ T1 जो है वो हॉट रिजर्वॉयर का टेम्परेचर और T2 कोल्ड का टेम्परेचर है। कंक्लूजन बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे पास ये आता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन 100% हो, तो उसके लिए वाहिद कंडीशन ये है कि T2 जीरो केल्विन हो जाए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक इमेजिनरी टेम्परेचर है, अचीव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि जब एक कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 100% से कम होगी तो किसी भी रियल इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड अगर क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू।